नमस्कार साथियों, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का हमारे इस ग्रेविटी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कल हमने प्राकृत संख्याओं जो कंटिन्यूस संख्याएं थी उनके योग के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी के आगे चलते हैं, प्राकृत संख्याएं जो कंटिन्यूस नंबर थी उनके नेचुरल संख्याओं के योग के बारे में आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि कल तक जहाँ तक अपन ने पढ़ा था उसी से आगे और उसका क्या मतलब थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं अपन, और फिर उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनके बारे में आज बातचीत करेंगे। चलिए चलते हैं अपन। तो हमने कल बातचीत की थी प्राकृत संख्याओं के योग के बारे में, उसी से आगे चलते हैं। कल अपन ने जो पढ़ा था उसी के बारे में एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। कल हमने तीन टाइप के प्रश्न पढ़े थे। तीन टाइप के प्रश्नों में अपने पास पहला प्रश्न था 1 से 10 तक संख्याओं का योग, ये पहला वाला प्रश्न था। संख्याओं का योग ये कैसे होगा, इसके बारे में बात की थी अपन ने। फिर दूसरे टाइप का प्रश्न था कि संख्याओं 6 के 25 गुणजों का योग क्या होगा, 25 गुणजों का योग क्या होगा, योग होगा, अब योग क्या होगा इसके बारे में। तो दो टाइप के प्रश्न तो ये थे। ये तो थे जो संख्याएं अपनी 1 से शुरू हो रही थी, सारी की सारी संख्याएं जो अपनी जिनका स्टार्ट कहाँ से था, 1 से जिनका स्टार्ट था उन संख्याओं के बारे में पढ़ा था। और ऐसी संख्याएं जिसका कोई ना कोई गुणज हो वो कंटिन्यूस संख्या है उनके एडिशन के बारे में अपन ने बातचीत की थी। ठीक है, तो ये तो सिंपल था। अंतिम संख्या जो थी अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या में 1/2 अपन दोनों का गुणा करके 2 का भाग लगा रहे थे। तो अंतिम संख्या है अपने पास 10, 10 में 1/2 11, 11 और दोनों का गुणा करके 2 का भाग लगाया तो ये इसका एडिशन आ गया। 2 × 2 = 2, 5 = 10, ये 55, ये अपना आंसर आ गया इस टाइप से। इसमें भी यही किया था अपन ने, अंतिम अंक जो था अपने पास वो था 6, अंतिम अंक जो था वो अपने पास 25 था और ये 25 ही किसके गुणज हैं, 6 के हैं। तो सबसे पहले तो ये अंतिम अंक क्या था, 25 में 1 ऐड किया 26 और दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया 2/2, ये तो हो गया अपने पास 25 तक की, 1 से 25 तक की संख्याओं का एडिशन। अब इसके बाद इसमें क्या ऐड करें अपन, जो अपने पास इनका गुणज है उसको अपन क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं इंटू 6। तो यहाँ से ये आ गया अपने पास इस टाइप की संख्याओं का योग आ गया। इसके बाद चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 2 × 2 = 13 × 26, ठीक है, 6 × 13 × 25, इस टाइप से अपन आगे बात कर लेते हैं। तो 6 × 3 = 18, 6 और 1 = 7, 6 और 1 = 7 इंटू 25, 25 × 8 = 200 और 175 और 20 195, ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आ गया। चलिए अपन आगे बातचीत करते हैं, ये यहाँ तक का हुआ। एक टाइप का प्रश्न और देखा था अपन ने जिसमें संख्या 1 से स्टार्ट ना होके कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, बीच से कहीं से स्टार्ट हो रही थी और उस टाइप की संख्याओं का एडिशन किया था। पर वो थोड़ा सा मेरे को लगा का वो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, देखें कैसे क्या होगा, तो उसको छोटा कैसे करें, जल्दी कैसे सॉल्यूशन आ जावे उसके बारे में बातचीत करते हैं। फिर संख्या दी, जैसे थर्ड क्वेश्चन लिया अपन ने, संख्या 25 से 50, यानी कि 25 से लगातार 25 + 26 + 27 + 28 ऐसे करके संख्या है 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, ये प्रश्न लिया अपन ने, संख्याओं का योग ये प्रश्न ले लिया। इस प्रश्न के बारे में मैंने बताया था आपको कि अपन स्टार्टिंग में क्या करें, जो अंतिम संख्या है अपनी, अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे 50 है, तो अंतिम संख्या तक एक से 50 तक, ठीक है, प्राकृत संख्या का योग, प्राकृत संख्या का योग पहले तो ये कर लें, फिर बाद में बात करें अपन जिसका स्टार्टिंग कहां तक हो रहा है, स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, इसमें 25 से हो रहा है तो यहां पे माइनस करें अपन, माइनस किसको करें, इसका स्टार्टिंग से एक पहले तक, 1 से 24 तक प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग ऐसे कर लेते हैं, दोनों के योग करके इनको माइनस कर लें। अगर ऐसा कर लेते तो फिर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा अपने, ये आ जाएगा 25 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा, ये आ जाएगा जो उत्तर आएगा वो 25 से 50 तक, कहां से कहां तक आ जाएगा, 25 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग हो जाएगा। तो देखते हैं अंतिम संख्या यहां पे 50 थी, तो 50 × 50 में 1 = 51/2 माइनस यहां पे अंतिम संख्या है 24 × 24 में 1, तो ये 25/2
ये सॉल्यूशन करने के बाद 2 का बाहर लगाते हैं तो ये अपना सॉल्यूशन आ जाता है, यही बताया था मैंने लास्ट टाइम पे। अब बात करते हैं एक और मेथड चेंज करते हैं इसको छोटे रूप में कैसे कर लेते हैं, वो मेथड देखते हैं अपन कि इसको और छोटे रूप में कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए अपन एक फॉर्मेट काम में लेंगे। ये फॉर्मेट इस टाइप से है, इन दोनों को मैं एक बार तो जोड़ दूं, ठीक है, योग, योग का मतलब दोनों की जोड़, ठीक है, और फिर अंतर, अंतर में मैंने एक जोड़ दिया, योग अंतर, योग गुणा अंतर, और अंतर में एक जोड़ दिया बटे वा 2, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए आप करके देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा, योग करता हूं मैं 25 + 50 हो गया, ये योग और अंतर किया इनका, तो अंतर बड़ी में से छोटी को निकाल लेंगे, 50 - 25 कितना आया, 50 - 25 25 आ गया, फिर से +1, ठीक है, चलो, और बटेवा में 2, यहां से मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, इनका 25 आएगा, ये अपने को पता है, ठीक है, तो ये आ गया 75 × 50 - 25 25 और 1 26, ये आ गया 26/2। सॉल्व करते हैं, 2 × 1 = 2 13 × 2 = 26, ठीक है। अब 13 को 75 से गुणा कर लेते हैं, करते हैं 3 × 5 = 15 1 हासिल का, 3 × 7 = 21 21 × 5 = 26 और 1 हासिल का 27 2 अब हासिल के 1 × 7 = 7 और 2 = 9 ठीक है, ये अपने पास आ गया 975, यही अपना आंसर है। आप करके देख लीजिए, सॉल्यूशन यही आएगा, जितनी भी बार करोगे, जो मैंने पहले मेथड दिखाया था उससे करोगे वो भी यही आएगा, और अपन जो अभी जो अपन ने मेथड काम में लिया उसमें भी यही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिंपलेस्ट फॉर्म, ये अपना जो है इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये, इससे प्रश्न बहुत बार बैठ जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लेते हैं कि जल्दी से जल्दी इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो वो कैसे सोल्व किया जाएगा, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस देखिए, आज अपनी 12वीं क्लास है, इस 12वीं क्लास में अपन इसको खत्म कर लेंगे, प्राकृत संख्या जितनी भी है उनके एडिशन के लिए जो भी फॉर्मेट बनते हैं, जो जो भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 3 प्रश्न करते हैं अपन यहाँ पे। चलिए पहला प्रश्न लेता हूं मैं, 10 से 30 तक प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, ये पहला प्रश्न लिया मैंने, ठीक है, ये क्वेश्चन था अपना, 4th नंबर का क्वेश्चन था। 5th नंबर का क्वेश्चन लेता हूं, 30 से 60 तक प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग, ये दूसरा प्रश्न लिया मैंने। 3rd क्वेश्चन लेता हूं मैं छोटा, अब बात करते हैं यहां पे 50 से 100 तक प्राकृत संख्याओं का योग, ये 3 प्रश्न अपन ने ले लिए हैं। इन तीनों प्रश्नों को अपन कितना जल्दी से सोल्व कर लेंगे इसके बारे में बातचीत करते हैं। यहाँ बात करें, अपने पास 2 संख्या है, ठीक है, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये, ठीक है, बड़ी संख्या को पहली संख्या इसीलिए मान रहे हैं क्योंकि अंतर में इसमें से ये निकाला जाएगा, ठीक है, तो अपन इनका सबसे पहले तो योग करते हैं, इनको तो जोड़ लेते हैं, जोड़े तो कितना आता है अपने पास, ये आ गया 40 जोड़ करने से, ठीक है, घटा 30 में से 10 को घटाया तो कितना बचा 20, 20 में एक जोड़ा 21 बटे वा 2, ये आ गया सॉल्यूशन। आगे वाला प्रश्न देखिए, इन दोनों को जोड़ते हैं, पहली बार में इन दोनों को जोड़ते हैं, 30 + 60 = 90, ठीक है, अब 90 60 में से 30 को घटाया, किसमें से किसको घटाया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं, 60 में से 30 को घटाया तो 30 और एक जोड़ा अपन ने इसमें 31, ये हो गया 31, दोनों का गुणा किया बटे वा 2, आगे आ जाइए। अब आते हैं 50 से 100 तक की संख्या, तो बड़ी संख्या 100, छोटी संख्या 50, दोनों को जोड़ा तो 150, दोनों को ऐड कर दिया तो कितना गया 150, ठीक है, 100 में से 50 को माइनस किया तो 50 और 1 इसमें जोड़ा तो 51, दोनों का गुणा कर दिया और बटे वा 2, ये तीनों के सॉल्यूशन हो गए। बस अपने को गुणा करना है और सॉल्यूशन करना है इनका, तो कर लेते हैं इनका सॉल्यूशन भी, 2 × 2 = 2 × 4 ये 20, ठीक है, 21 × 42 420 इसका आंसर आ गया पहले वाले का। दूसरा देखते हैं, ये गया 2 × 2 = 4 × 8 = 5 × 10 ठीक है, 45 बार, 45 × 31 ठीक है, 1 × 5 = 5 यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा फिर से वो पैटर्न जो मेरे को बताना है आपको कि गुणा सबसे सिंपल तरीके से कैसे कर लेता है, 1 × 5 = 5 ठीक है, 15 × 4 = 19 3 × 6 = 12 और 1 हासिल का 13 1395 ये इसका आंसर है दूसरे फॉर्मेट में, ये अपन ने जल्दी से निकाल लिया।
देखो यहाँ पे 2 एकम 2, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 75 बार, 75 × 51, ठीक है। इसको भी सोल्व कर लेते हैं इसी पैटर्न से, 75 × 51, ठीक है। 1 5 5, 7 एकम 7, 5 25 और 7, 25 और 7, 25 और 7 32, ठीक है। हासिल का 3, 7 5 35 और 3 38, तो ये आंसर आ गया 38 25। चलिए ये हो गया अपना ईजीएस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अपन ने जो बातचीत की थी कल के जो क्वेश्चन करने के लिए अपन ने इतनी देर लगाई थी, और इतना कहने मतलब कैलकुलेशन की बात भी मैंने कैलकुलेशन छोड़ दी थी कि यार ये कैलकुलेशन आप कर लेना, तो ये कैलकुलेशन इतनी सिंपल सी थी और उसको जल्दी से जल्दी अपन ने किस टाइप से सोल्व कर लिया, ऐसे सोल्व कर लिया। अब अपन आगे आते हैं, अपन इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनको मिटा देते हैं। ये तो थी कंटिन्यूस संख्या, अब इनमें बात करें संख्याएं सम हो या विषम हो तो उनके बारे में क्या होगा। जैसे मैं आगे वाला प्रश्न ले लेता हूँ, उनके लिए भी थोड़ी थोड़ी सी आपको कुछ याद रखना पड़ेगा और वो सॉल्यूशन एक मिनट में हो जाएगा। जैसे 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, ये पहला प्रश्न लिख दिया मैंने, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दूसरी बात करें, ठीक है, 1 से 30 तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, अब ये भी लगातार है प्राकृत संख्या, इनका योग क्या होगा। आगे एक और प्रश्न के बारे में बात करते हैं, 1 से 50 तक, अब 100 तक चाहो तो 100 तक ले सकते हैं, 1 से 50 तक सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का, संख्याओं का योग, ये प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर का योग, इनके बारे में बात करें कि ये क्या होगी, ठीक है। तो बातचीत करते हैं, अपन ने अभी तक जो बातचीत की थी उस उन प्रश्नों में क्या था अपने पास, अंतिम संख्या, और अंतिम संख्या में 1 जोड़ा, दोनों का गुणा किया, बटे व 2 कर देते थे। अब यहां देखो पहले तो संख्याएं हैं कितनी, 1 से 10 तक के बारे में बात करें तो संख्याएं कितनी आ गई, 1 से 10 तक लगातार 10 संख्या है, पर सम संख्याएं लेनी है तो संख्या कितनी है, टोटल संख्या अपने पास आ गई कितनी, संख्या आई 5, कितनी संख्या आ गई 5 आ गई, संख्या कितनी आई 5 ही आई ना, 5 और 5 में 1 जोड़ा 6, ठीक है, दोनों का गुणा कर दीजिए 5 × 6, आंसर 30, यही अपना सॉल्यूशन है, 5 × 6 आंसर 30, यही अपना सॉल्यूशन है। आगे देखते हैं अपन, जैसे इस वाले प्रश्न में देख लेते हैं, अपने पास 1 से 30 तक कितनी सम संख्या है, टोटल सम संख्या है 15, और 15 में 1 जोड़ दो 16, बस डिवाइड बटेवर 2 जो है वो नहीं करना है। 1 से 30 तक संख्याएं कितनी आएगी सम, 1 से 30 तक सम संख्याएं अपने पास आएगी, जैसे मान लें 30 टोटल संख्या है, तो सम निकालने के लिए उसमें से आधी सम है और आधी विषम है, आधी सम है और आधी विषम है, तो ये 15 संख्याएं तो क्या आ जाएगी सम, और 15 संख्या ही क्या जाएगी विषम, ये मिलके टोटल 30 संख्याएं होगी, तो 15 × 16 ये करके अपना आंसर आ जाएगा। इसको देखो टोटल 50 संख्या है, 50 में से आधी सम है और आधी विषम, तो 25 आधी तो ये हो गई, और इसमें 1 जोड़ा और गुणा कर दिया दोनों को, ठीक है, यहां से ये आंसर आ गया। इनके आंसर भी निकाल देते अपन, 15 × 16, 15 × 16 एक मैंने टेक्निक बताई थी, 15 और 16 को कैसे गुणा करते हैं उसी टेक्निक पे चलते हैं अपन। 10 में कितना जोड़ा 5, 10 में कितना जोड़ा 6, 6 × 5 = 30, ये हासिल का 3, ये आगे चला दिया अपन ने, 16 और 5 = 21, और ये 3 इसके साथ जोड़ दिया तो कितना हो गया, ये 24 और 0 = 240, ये इसका सॉल्यूशन। इसी के लिए इसी के साथ ये चलते हैं 25 × 26, तो 25 और 26 इसको मल्टीप्लाई करने का सेकंड टेक्निक काम में लेते हैं अपन, 6 × 5 = 30, हासिल का 3, 6 × 12 और 10 = 22 और 3 = 25, ठीक है, हासिल का 2 बचा है, 2 × 4 और 2 = 6, 650, ये अपने पास सॉल्यूशन आ, ठीक है। तो आपके समझ में आया होगा कि कैसे क्या अपन ने कर दिए सभी के सभी, अपने जल्दी से जल्दी इनके आंसर कर लिए हैं। तो देखो एक प्रश्न दो प्रश्न और देख लीजिए, 1 से 50 तक कर लिए, प्रश्नों की संख्या अपन भूल गए हैं, शायद 5 प्रश्न हो गए थे, 6, 7, 8 या 9, 10 प्रश्न हो गए होंगे, जो भी हो गया है इनको मिटा देते हैं अपन, आगे चलते हैं, ठीक है। दो प्रश्न और कर लेते हैं, सम संख्याओं का एडिशन कर रहे हैं, इसी टाइप से विषम संख्याओं का भी एडिशन करेंगे, पर सम संख्याओं के एडिशन में देखिए थोड़ा सा प्रश्न और देख लेते हैं, दो प्रश्न और देखेंगे, थोड़े से बड़े लेते हैं। 1 से 100 तक सम संख्याओं का योग, अब सम संख्याएं 1 से 100 तक कितनी होगी इसके बारे में बात करेंगे, 1 से 500 तक सम संख्याओं का योग,
सम संख्याओं का योग। ये दो प्रश्न और अपन ने ले लिए, फिर आगे चलेंगे इसके बाद अपन इन दोनों ही प्रश्नों के बारे में अपन बातचीत करेंगे। तो देखते हैं, देखें चलो इन पे चल लेते हैं। सबसे पहले तो अंतिम संख्या क्या है, 100। 100 का आधा करो, 100 का आधा किया तो कितना आया, 50। ठीक है, सम संख्या आई कितनी, टोटली 100 तक सम संख्या कितनी है, 50, और उसमें एक जोड़ दिया 51/2। ये इसका सॉल्यूशन है। अंतिम संख्या कितनी है, 500। अंतिम संख्या कितनी है, 500। इनमें से सम संख्या कितनी हुई, 500 बटे वा दो। सम संख्या कितनी हुई, 500 बटे वा दो, तो कितनी आ गई, 2 दुना 4, 5 दुना 10, 0, 250। कितनी संख्या आई, सम संख्या 250 आई, तो 250 इसमें एक जोड़ा, 251। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बटे वा दो नहीं करना है, यहीं पे अपना सॉल्यूशन है। इसी चीज का अपने को ध्यान रखना है कि सम पूछ ले तो बटे वा दो नहीं रखना है, ठीक है, और संख्या जो है वो आधी हो जाएगी, जितनी दी दे रखी है उससे आधी हो जाएगी, यही इसका सॉल्यूशन है। चलिए, 5 × 5, 5 × 25, ये इसका आंसर आ गया। और यहाँ से इस प्रश्न का आंसर आता है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको, 25 से चलो 251 और 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 5 × 5, 25, ठीक है, 5 दूना 10 और 2 12। ये अपना प्रोसेस जो पुराना वाला प्रोसेस है उसी प्रोसेस से चल रहे हैं, 2 × 2, 2 × 5, 10, 1 × 7, 2 दूना 4 और 1 5, 5, 7, 2, 6, ये आ गया 62, 75 और 10 इनके पीछे जो आनी थी वो आ गई है, और यही आंसर आपका आएगा। आप कैसे भी इसको सोल्व कर लीजिए, बार बार यही आंसर आपका आएगा। ठीक है, मिटा देते हैं, ये तो हो गई विषम सम संख्याओं के बारे में बात। अब बात करते हैं विषम संख्याओं के बारे में, तो विषम संख्याएं आ जावे तो उनके बारे में क्या आएगा। विषम संख्याओं के बारे में बातचीत करें तो सेम यही प्रश्न ले लेते हैं, 10 प्रश्न हो गए हैं अपने, 11वां प्रश्न, 12वां प्रश्न और 13वां प्रश्न, 11, 12 और 13 विषम संख्याओं का योग तो और भी इजी है, उसको क्या करते हैं अपन डायरेक्ट सोल्व करेंगे। जैसे 1 से 10 तक विषम संख्याओं, विषम संख्याएं, ठीक है, जितनी संख्या दी है उसमें से आधी सम और आधी विषम, विषम संख्याओं का योग, ये प्रश्न था अपना, इस प्रश्न को ले लिया अपन ने। अब बात करते हैं दूसरा, 1 से 20 तक विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, ये दूसरा प्रश्न ले लिया अपन ने। और बात करते हैं 1 से 50 तक, 50 तक विषम संख्याओं का योग, ये 3 प्रश्न ले लिए, विषम संख्याओं का योग, ये 3 प्रश्न अपन ने ले लिए। इन तीनों ही प्रश्नों को अपन 1 मिनट में सोल्व कर देंगे। संख्या कितनी है, अंतिम संख्या है अपने पास 10, अंतिम संख्या क्या है 10, तो इसमें से विषम संख्या कितनी होगी, 10/2, 10/2 यानी कि 5। विषम संख्या कितनी आ गई अपने पास, विषम संख्याएं आ गई अपने पास 5, तो अपन क्या करते हैं इस 5 का स्क्वायर कर लो, सीधा सा आंसर है 25। ठीक है, आगे देखो 1 से 20 तक बात करें तो विषम संख्या कितनी है, विषम संख्या आ गई 20 को आधा कर लो 10, तो विषम संख्या कितनी आएगी 10, 10 का स्क्वायर कर लो, आंसर आ जाएगा अपना 100। ठीक है, और बातचीत करते हैं अपन आगे चलें, 50 अंतिम संख्या है, 50 50/2 करेंगे तो 25 विषम संख्या आएंगी, विषम संख्या कितनी आ रही है, विषम संख्या ये कितनी आ रही है 25, 25 का स्क्वायर कर लो 625 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया अपना, ये कैसे 625 आया इसके बारे में आपको याद होगा, ये 625 कैसे आ गया इसके लिए अपन ट्रिक आगे बताएंगे। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं अभी। ठीक है, तीनों प्रश्न हो गए, सम संख्या पूछे तो आधी करके उसमें एक जोड़ा और इंटू दोनों को गुणा कर लें, आधी करके उसमें एक जोड़ा और दोनों को गुणा कर लें, आधी करके एक जोड़ा और दोनों को गुणा कर लें, ये तो सम संख्याओं का योग था। और विषम संख्याओं का जितनी संख्या है उनको वर्ग कर लो, बस विषम संख्याओं का योग आ जाएगा। ये हो गया अपना सॉल्यूशन यहाँ पर। अब आगे चलते हैं अपन, इसी में थोड़ा सा आगे और चल रहे, थोड़े से प्रश्न और बचे हैं अपने पास, उनके बारे में बातचीत करते हैं। अगर संख्या में वर्ग संख्या जाए, जैसे एक प्रश्न लिखता हूँ मैं, उस प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जैसे मेरे पास है, तो यहाँ देखते हैं, देखें इस प्रश्न में जितनी भी संख्या है एक से लेके अब जितनी भी संख्याओं के वर्गों का योग कर रहे हैं उसमें अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या अपन बातचीत करते हैं, अंतिम संख्या है यहाँ पे 10, 10 का वर्ग किया है और इनके सभी के वर्गों का योग कर रखा है अपन ने, तो यहाँ पे अपन चलते हैं, देखते हैं। देखिए अभी तक अपन क्या कर रहे थे, जब सिंपल संख्या थी ये सारी की सारी, तो सिंपल संख्या अंतिम संख्या देख रहे थे, उनमें अंतिम संख्या है 10 और अंतिम संख्या में एक जोड़ा 11 और दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया और बटेवा में 2 लिख रहे थे। अब ये इतना तक तो करना है पर बटेवा में 2 नहीं लिखना है हमने, बटेवा में 2 नहीं लिखना है, फिर थोड़ा सा आगे और करना है। अंतिम संख्या क्या है यहाँ पे 10, इसका दुगना किया, दुगना किया तो कितना गया 20 और उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना गया 21।
यानी अंतिम संख्या के दुगने में एक जोड़ना है, दुगने में एक जोड़ना है, कितना करना है दुगने में एक जोड़ना है, इंटू 21 और बटेवा में दो की जगह पे 6 लिख देना है। ये प्रश्न का सॉल्यूशन हो चुका है अपना, ठीक है। इसी टाइप से ये प्रश्न है 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो ये संख्याएं क्या हो सकती है, ऐसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही कहां तक जाएगी ये संख्या, 20 का स्क्वायर तक जाएगी, कहां तक जाएगी 20 का स्क्वायर तक जाएगी। तो चलिए देखते हैं, देखें इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। अंतिम संख्या के बारे में बातचीत करते हैं अपन, अंतिम संख्या क्या है 20 है, तो अपन अंतिम संख्या के ऊपर ही चल रहे थे इतनी देर से, अंतिम संख्या का ध्यान रखना है अपने को 20 और उसमें एक जोड़ा 21, ठीक है। अब जब वर्ग आ जाता है, अगर सिंपल यहां तक यहीं तक होता तो बटे हुआ 2 करके इसका सॉल्यूशन कर लेते, पर अब ये है कि अपने पास वर्ग, जब भी पूछ लिया इसके अंदर वर्ग, वर्गों का योग क्या पूछा गया है इसमें, वर्गों का योग, उसी संख्याओं का नहीं पूछा है, वर्गों का योग पूछा है। तो चलिए 20 का दुगना कर देते हैं अपन, तो ये आ गया अपने पास 40 और उसमें एक जोड़ देते हैं, दुगने में एक जोड़ना है, तो ये क्या आ गया 40 प्लस 1 41, बस हो गया 41, बटे हुआ 2 की जगह पे अपने को क्या करना है 6 करना है। अब ये हो गया सॉल्यूशन अपना, यहां से अपन इसको कट कर लेते हैं, 2 3 6 2 5 10 3 एकम 3 3 7 21, ये हो गया सॉल्व, 5 * 11 * 7, ठीक है, 7 और 5 35 * 11 11 5 55 11 33 33 और 5 38, ये हो गया यहां पे सॉल्यूशन इसका, ये आंसर है इसका। आगे चलते हैं अगले वाले नंबर पे, अपन अगले वाले नंबर पे इसका कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं 2 से 10 बार और ये 2 से 3 बार, ठीक है, 3 एकम 3 3 और 7 21, चलो 10 * 7 एकम 7 7 का 41 है, 7 एकम 7 और 7 चौक 28 2870, बस यही इसका सॉल्यूशन है, हो गया है यही भी, चलिए हो गया। तो प्रश्न नंबर जो भी थे ये 14 15 या 13 14 जो भी होंगे, मैं यहाँ पे 14 15 लगा देता हूँ, दो प्रश्न और करेंगे इसके बाद अपन इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, अभी तक अपन ने बात कर दी है संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, इसमें दो प्रश्न और ले रहे हैं अपन और फिर आगे चल बढ़ जाएंगे। अब देखिए और भी जल्दी टाइम से हो जाएगा इनके सॉल्यूशन, चलते हैं अपन 16 प्रश्न और 17 प्रश्न, दो प्रश्न और लेंगे केवल, 16 और 17, 1 से 30 तक, काम कीजिए 50 ले लीजिए, 1 से 50 तक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, ये प्रश्न आ गया अपने वर्गों का योग। वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे करके कहां तक जाएंगे अपन, 50 के वर्ग का योग करना है, इन सब का एडिशन करना है अपने को। यहां पे अगला प्रश्न ले लेते हैं, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक संख्याओं के वर्गों का योग, ये अगला प्रश्न है अपना वर्गों का योग। तो ये क्या होगा, इसको लिख सकते हैं, वर्ग का मतलब है ऊपर घात 2, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और ऐसे कहां तक जाएंगे 100 का स्क्वायर तक। चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन जल्दी से जल्दी, अंतिम अंक है यहां पे 50 और यहां पे 100, तो सबसे पहले अपन अंतिम अंक पे ही बात करते हैं हम, का अपन इसमें चेंज क्या है, जो अपना ऑर्डिनरी प्रश्न था जो सामान्य प्रश्न था उसमें चेंज क्या है, इसमें क्या करना है वर्गों का योग करना है, ठीक है, क्या करना है इसमें वर्गों का योग करना है, वर्गों का योग करना है, तो बस वो वाली बात याद रखनी है अपने को, इसका डबल कर लेते हैं अंतिम अंक का, अंतिम अंक है 50 और इसका दुगना किया और एक जोड़ा, ठीक है, तो दुगना करते ये हो गया 100 और इसमें एक जोड़ा 101, ये हो गया बात एक बात। तो यहाँ पे दूसरी बात कर लेते हैं, अंतिम अंक है 100, इसमें 2 का गुणा किया और एक जोड़ा, ठीक है, तो 200 101, हाँ ठीक है, यहाँ पे 101 कर लेंगे, यहाँ पे 100 * 2 200 और एक इसमें जोड़ दिया तो 201, ये हो गया अपना अंतिम अंक कर लिया अपन ने, अंतिम अंक कर लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की, अंतिम अंक इंटू अंतिम अंक में क्या जोड़ें एक, ठीक है, तो 50 और उसमें एक जोड़ा 51 और फिर वर्ग के लिए क्या करना है उसके दुगने में एक जोड़ना है, तो ये 101 बटेवा 2 की जगह पे अपने को 6 करना है यहाँ पे, बस इतना सा याद रखना है, ठीक है। अंतिम अंक इसमें था 100, 100 में एक ऐड कर लिया तो ये हो गया 101, ठीक है, फिर अंतिम अंक के दुगने में एक जोड़ना है तो दुगना 100 का 200 और 200 में एक जोड़ा 201, बटेवा में 2 करने की जगह पे 6 करना है, ये हो गया अपना सॉल्यूशन, कर लेते हैं बस सीधे से कट कर लेते हैं, ठीक है, 2 3 6 और ये 25 बार और 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 और 7 21। चलिए आगे चलते हैं,
दो तिया छह और ये 50 बार, ठीक है। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 का 6 से 18, 2 बचे 21 हो गए, 3 और 7 21। बस अब गुणा कर लेना है अपने को, 25 × 101, 17 से गुणा करके ही रखते अपन, 17 एकम 17, ठीक है, और 17 एकम 17 हो गया उसका, 25 से गुणा करना है। फिर इसको पहले सोल्व कर लेते हैं अपन, सभी को एक साथ नहीं करें। चलिए यहाँ पे अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं 17 17 का 25 से, ठीक है, दो स्टेप में कर लेते हैं अपन, जितना जल्दी चाहे उतना कर सकते हैं अपन। 17 का डायरेक्ट करना चाहे तो 25 का 7 से 175, 25 का 7 से 175, ये अपन एक एक स्टेप से कर लेते हैं। 5 और 7 35, 8 का 3, 5 और 3 8, फिर वापस ये पे ही आएगा 5 और 8, ऐसे होगा क्या? देखो देखें, 5 और 7 35, 3 हासिल का, 5 और 3 8, आगे ही गए। चलिए 2 से 2 7 14, 2 और 1 3, 2 7 14, 2 और 1 3, बस जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा यहाँ रख देते हैं अपन। 5 8 और 4 12, 1 हासिल का 1, 8 और 1 9, 12 हासिल का 1, 3 और 1 4, ये अपना आंसर है। बस केवल कैलकुलेशन अपने को इसमें थोड़ा सा बड़ा लगा है, बाकी प्रश्न को अपन ने बहुत ही सरल तरीके से कर लिया है। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न में, इसकी भी कैलकुलेशन ही बड़ी लगेगी, और कैलकुलेशन के लिए अपन अगली वीडियो में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें कैलकुलेशन बहुत ही ईजी कर देंगे। एक तो वीडियो बना दी है, एक और बनाने जा रहे हैं। अब आगे करते हैं अपन, 50 × 101 × 67, ठीक है, 67 का गुणा कर लेते हैं इसमें, 67 एकम 67, ये 0 था तो ये फिर से 67 और ये 50, ठीक है। अब सॉल्यूशन करेंगे, 10 फिर से ऐसे ही लगा दीजिए, 5 का गुणा कर लीजिए, 5 और 7 35, 3 हासिल का 3, 5 × 30 और 3 33, फिर से 3, 5 और 7 35 और 3 38, फिर से 3, 5 × 30 और 3 33, ये इसका आंसर हो गया। ये बड़े से बड़ा प्रश्न जो आ सकता है उसके बारे में भी अपन ने इस वीडियो में यहाँ पे बातचीत कर ली है, और अब इसके बारे में बातचीत करेंगे अपन ने अब तक किया क्या है, अब जो किया है उसके बारे में अपन लास्ट सभी को एक साथ एक ही इस बोर्ड पे लिख लेते हैं, अभी तक अपन ने क्या क्या किया है दोनों वीडियो पे, तो देख लेते हैं। देखें आगे चलते हैं हम, दोनों वीडियो का सार क्या किया अपन ने उसके बारे में, ठीक है। संख्या थी 1 + 2 + 3 + ऐसे करके अंत तक अपन चले गए, यानी कि जितनी भी संख्या आई उन सब के जोड़ के लिए क्या किया अपन ने, अंतिम संख्या इनटू अंतिम संख्या में एक जोड़ा, 1 + 1/2, ये अपना पहला फंडा था जो अपन ने किया। जैसे 1 से 100 तक के लिए क्या किया था अपन ने, 100 तक की संख्याओं के जोड़ के लिए क्या किया था, 100 और उसमें एक जोड़ा, 100 और उसमें एक जोड़ा, 101/2, तो यही है वो अंतिम संख्या, अंक जो है इस अन के जगह पे आपको अंतिम संख्या रखनी है और वो आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला उसका था, ठीक है। अब बात करते हैं किसी संख्या x के अनुगुणजों का योग, ये क्या है इसके बारे में बातचीत करते हैं। गुणज कितने हैं, पहले तो संख्याएं कितनी है अन, तो ये फिर से अन, जितनी संख्या अंतिम संख्या उसमें एक जोड़कर दोनों को गुणा कर दिया, 1/2, और गुणज किसके हैं, ये गुणज हैं अक्ष के, किसके गुणज हैं, तो इस अक्ष से इसको गुणा कर लेंगे इनटू एक्स, जो भी संख्या होगी उसका। जैसे अपने पढ़े थे 6 के 7 गुणज हैं, तो 6 × कितने गुणज है, 7 है, तो 7 × 7 में एक जोड़ा, 8/2, पर गुणज कितने थे, 6 के, तो ये इस टाइप से इसका सॉल्यूशन आया था, 6 के 7 गुणज, ठीक है, इसका सॉल्यूशन इस टाइप से आ गया था। अब आगे बातचीत करते हैं अपन, इससे आगे अपन ने बात की थी कोई दो संख्या है, दो संख्या का मतलब कैसे, मतलब दो एक से शुरू ना होके ए से शुरू हो रही है बी तक जा रही है, ठीक है, संख्या ए से बी तक का योग, ठीक है, ये भी लगातार संख्या है ए से बी तक जा रही है, तो पहले तो इनका क्या किया, योग किया अपन ने, फिर क्या किया, गुणा में अंतर, और अंतर में क्या जोड़ दिया था, 1/2, ये इसका सॉल्यूशन अपन ने कर लिया था। इसके बाद बात की थी अपन ने सम संख्या, 1 से अन,
एन तक सम संख्याओं का योग। क्या किया था अपन ने? सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, सम संख्या का योग। अब ये भी लगातार है संख्या, तो सम संख्या अपन मान लें तो सम संख्या क्या है, एक से अंत तक, मान लें एक से सौ तक संख्याओं के बारे में बात की, तो सम संख्या तो पचास ही है, पर अंत तो यहाँ पे सौ है ना, तो इस सौ को पचास में चेंज करने के लिए अपन एक संख्या और लिख देते हैं एक्स, जो क्या है अन बटे वा दो, अन बटे वा दो यानी कि सौ बटे वा दो। तो फॉर्मूला इस टाइप से बन जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस वन, यानी कि जो संख्या है सौ के बारे में बात कर रहे थे तो यह भी पचास, पचास में एक जोड़ा तो इक्यावन, पचास इंटू इक्यावन, ये इसका सोल्यूशन है। अगली बात करें अपन एक से अनंत तक विषम संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं अपन, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। अब विषम संख्याओं का योग के बारे में बात करेंगे तो x तो ऐसे ही निकालेंगे, एक से सौ तक की जैसे बात करें तो कितनी आ गई विषम संख्या है, पचास, तो यहाँ पे x का स्क्वायर, क्या गया x का स्क्वायर यानी पचास का स्क्वायर, जो अपना आंसर दे देगा अपने को। अब अपन लास्ट अपन ने अभी पढ़ा है, ठीक है, एक से अंत तक संख्याओं के वर्गों का योग, एक से अंत तक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग, ये अपन ने अभी पढ़ा है। ये क्या था, मान लें अंतिम संख्या क्या है अन, तो उसके अगली वाली संख्या से उसका गुणा और दुगने से एक ज्यादा बटेवा छः, ठीक है। अभी अपन ने इसी के प्रश्न किए थे, ये अपना पूरा का पूरा अभी तक जो अपन ने पढ़ा है प्राकृत संख्याओं के योग में, उसका सबका सार मैंने एक ही बोर्ड पे लिख दिया है सारा का सारा, ठीक है। अब इसी टाइप से अब आगे अपन पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम परिमेय संख्या के जो भी फॉर्मूले या जो भी कैनबरी ट्रिक्स होगी उसको जल्दी से जल्दी करने के लिए उसको अच्छे से आप तक पहुँचाएं, उसके लिए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सभी के पास पहुँचाइए, धन्यवाद।